अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बुशरा राजपूत और आज आप एक बहुत यूनिक सी रेसिपी सीखने वाले हैं, वो भी है भिंडी के पकोड़े। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने भिंडी को अच्छी तरह फ्रेश वाटर में धोना है। धोने के बाद इसको सुखाना है। सुखाने के बाद आपने एक टॉवल का कपड़ा लेना है और उससे इसको हल्का हल्का रब कर देना है। जो इस पर रुआ होता है वो सारा साफ हो जाएगा। अच्छी तरह इसको ज़रा आपने इससे बात करना है, ठीक है। अब आपने भिंडी को यूं लेना है। आज हम आपको क्या बनाकर दिखाना चाह रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम देखेंगे। देखें, ये भिंडी को हमने बीच में से चीरा कर दिया, ठीक है। ये खुल गई, राइट, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है मसाला भरेंगे, खटाई पाउडर, लाल मिर्च, नमक और लेमन जूस, अदरक लहसुन को पेस्ट के साथ मिक्स करके इसके अंदर हमने उसको भरना है। भरने के बाद जो है हमने उसको रख देना है। फिर हमने क्या करना है आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, आपने 4 या 5 लेमन ले लेने हैं। चले भाई, चीना आज आप साथ दे हैं ताकि बुशरा राजपूत के साथ आपका नाम भी जल आ जाए। और ये नई तरकीब है और ये फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हैं। और आपको ये बताते चलूं कि जो लोग भिंडी खाते हैं वैसे ही उनको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज नहीं होता। इसके अलावा भिंडी जो है जोड़ों के दर्दों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों के जोड़ों में रेशा कम हो जाता है, चिकनाई कम हो जाती है, उनके लिए अक्सर आज़म है। चाहे वो तल के खाएं, चाहे वो उसको स्टीम दे के खाएं, लेकिन काली मिर्च और नमक लाइट ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि उसका बादीपन ख़त्म हो जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे कि ये हमारी लाडली बेटी चीना जो है वो माशाल्लाह उसने इसको फटाफट जो है रस निकाल दिया है। अब ये देख रहे हैं, ये हमारे पास खटाई पाउडर है, लाल मिर्च 1 टीस्पून, आधा किलो भिंडी है, ओके, 1 टीस्पून नमक, ठीक है। वो सब हम इसके अंदर शामिल करते हैं। आप निचोड़, ठीक है। आप इसके अंदर गार्लिक पेस्ट 1 और ये 2, ठीक है। अब आपने इसको हाथ से मिक्स करना। दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब बारी आएगी भिंडी की। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि भिंडी को किस तरीके से आपने उसको चीरा करना है। सबसे पहले हमने इसको जो है हल्का सा इसको लाइट सा चीरा देना है। चीरा देने के बाद इसको यूं ज़रा हाथ से आप जब पकड़ेंगे तो ये ऑलमोस्ट ये खुल जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं, अब इसको यूं लिक्विड की तरह आपने डालना है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही आपने भर गई आपकी और ये आपकी भिंडी जो है भरी हुई तैयार हो गई। आप सोच रहे होंगे कि भिंडियाँ तो भर रहे हैं
और इसको करेंगे क्या जनाब। तो हम जो है आज भिंडी के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि भिंडी के पकोड़े कैसे बनते हैं, इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे और बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हर भिंडी को लेना है यूँ हाथ से इसको लेंगे और यूज करना लिक्विड की तरह जैसे है हॉट लिक्विड। ये सारी भिंडियाँ हमने भर ली हैं। अब भरने के बाद हम इन्हें रख देंगे और उसके बाद जो है हम बेसन का बैटर बनाएंगे, तैयार करेंगे और फिर इनको तलेंगे इफ्तारी के टाइम पे और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, देखिएगा। अच्छा, ये स्टिक्स ऐड करना बिल्कुल एक ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहें तो आप कर लें वरना कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो है एक पकौड़ों का प्लेटर रेडी किया हुआ था तो उसमें उसको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए स्क्यूवर्स ऐड किए थे, बट आप चाहें तो ऐड करें चाहें तो ना करें। यहाँ पे जो है हमने एक घोल तैयार कर लिया है बेसन का। बेसन, पानी, थोड़ा सा नमक डाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं क्योंकि हमारी भिंडी में ऑलरेडी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई कर लीजिएगा अच्छे से बेसन के बैटर में कोट करके। मीडियम फ्लेम से ये होगा आपकी भिंडी भी कुक हो जाएगी, दूसरा आपकी कोटिंग भी क्रिस्पी बनेगी, ये सॉगी नहीं रहेगी। अच्छे से आप इसको फ्राई कर लें, सर्व करें चटनियों के साथ। ये बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक रेसिपी है। आप चाहें इसको जो है आप स्टर फ्राई भी कर सकते हैं सिर्फ भिंडियों को ऐसी फिलिंग करके, और इसका जो घोल बनाया है हमने, जो बैटर बनाया है वो ना रेडी करें, और आप चाहें तो उसको स्टर फ्राई कर लें, चाहे तो आप स्टीम भी कर सकते हैं जिस तरीके से डैडी ने आपको बताया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा ये कैसी बनी डैडी, और मैं आप सबके फीडबैक का वेट ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।